स्कूल से हम यही चाहते हैं वो टीचर का, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तीनों का रिटर्न में हमको माफीनामा चाहिए। मेरा गुजारिश है कि शिक्षा विभाग ये लेटर इशू करे सब स्कूल के लिए कि फर्स्ट एड का चीज़ उसको फ्री में मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हमारी मीडिया ने हमने एक बहुत ही खबर बहुत ही प्रमुखता से दिखाई थी। धनबाद पब्लिक स्कूल है, उनके दो ब्रांच है, तो हीरक ब्रांच का जो एक मामला था सैनिटरी पैड को लेकर के, जो पैसे की मांग की गई थी एक बच्ची से, वो वाला मामला तो हमने बहुत ही अच्छे से दिखाया था और आवेदन दिया गया था जो हमारे शिक्षा विभाग है जिला के, वहाँ फिर कार्रवाई हुई। आज उनका दोबारा जांच टीम जो है गई थी और हमने जो है जो क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी है मिथिला टुडू, उनसे बात की क्योंकि वो उस टीम का हिस्सा है और साथ साथ पेरेंट्स भी गए थे जो उस जांच टीम का हिस्सा थे। तो जब हमने मिथिला टुडू से बात करने की कोशिश की तो मैम, मतलब हमने सीधा पूछा कि मैम आपने क्या पाया जांच में, तो उनका साफ कहना था कि हमने जांच रिपोर्ट बना दिया, हम डीईओ या डीएससी को दे देंगे, आप उनसे मिल लें तो कल वो रिपोर्ट देंगे। जब उन्हें पूछा कि ठीक है मैम चूँकि रिपोर्ट आपने ही बनाया तो आप तो कुछ तो बताइए, तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ ही बताने से मना कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हम किसी को भी बहुत ही खास दोषी नहीं मानते हैं, ठीक है, छोटा सा मामला है, बाकी जो भी बात हो हमने विस्तृत तौर से रिपोर्ट में लिख दिया है, जो होगा वो रिपोर्ट में पता चल जाएगा आपको, तो आप रिपोर्ट ले लें उनसे। तो ये था उनका सीधा सा साफ, और उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, उनके साथ जो पेरेंट्स गए थे बच्चे के, हम उनके घर पर आए हुए हैं आज, उनसे बात करेंगे क्योंकि चूँकि वो गए थे तो उन्हें इसलिए लिया गया था जांच टीम के साथ ताकि जांच अच्छे से हो सके, उनके हिसाब से हो सके, क्योंकि जो चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि वो कह सकते हैं कि जांच उस हिसाब से नहीं हुआ जो हम चाहते हैं, क्योंकि गलती जो है निकल के आना बहुत ज़रूरी है और जिनकी भी गलती हो उनको सज़ा मिलना या जो भी हो वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा और गंभीर है, हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा अगर एक स्कूल में जहाँ शिक्षा का संस्थान अगर ऐसा होता है। तो सीधा जुड़ते हैं मैम से, जानते हैं कि क्या हुआ जांच में, नहीं हुआ मैम ही बताएंगी क्योंकि क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी ने तो कुछ नहीं बताया है ना। चलो तो मैम क्या हुआ, रिपोर्ट में बताएं मैम, क्या जाँच में मिला। देखिए जाँच का रिपोर्ट तो हम लोगों को भी पता नहीं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड थे, मिथिला टुडू जी थी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और जिस टीचर पे आरोप था वो टीचर को बुलाया गया। तो पहला बात, टीचर तो पहले बात स्वीकार ही नहीं किए कि ऐसा कुछ हुआ है, बाद में बात होते होते वो हमसे माफ़ी मांगी, टीचर भी माफ़ी मांगी, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी माफ़ी मांगी। लेकिन मेरा बात है, अगर मुद्दा कुछ उठा है तो इसके पीछे तो कुछ तो कारण है, ये मुद्दे का अगर हम रिटर्न दिए हैं, लिखित दिए हैं, तो मुझे माफ़ीनामा भी लिखित चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, मिथिला टुडू जी बोल रहे हैं ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है ही नहीं, ये समाज की हर एक महिला की बात है, सिर्फ मेरी बेटी का नहीं। और मिथिला टुडू जी से हम यही बोले कि गलती मेरा कहा है, हम स्कूल को कंप्लेन किए कि आपकी स्कूल में जहाँ पे मेरी बच्ची 7:30 बजे से 1:30-2 बजे तक रहती है, उसकी जिम्मेदारी आपका है, इस हालत में उसको ऊपर नीचे जो करवाए, तो इसके लिए हम कंप्लेन किए, आप लोग मुझे तो कुछ जवाब दीजिएगा कि हम लोग इसके अगेंस्ट में ये एक्शन लिए कि आइंदा से ये नहीं होगा, हमको कुछ नहीं बताया गया। आज हमको मिथिला टुडू जी और स्कूल की प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी बोल रही है आप आ सकते हैं, आप लोग बोलिए, जो कंप्लेन करता है वो बार बार जाके न्याय मांगता है ना, जिसके पास जो विचार करेगा तो वो हमको बताएंगे। और मैम उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि एक बार इन्फॉर्म करना कि मैम आपने कंप्लेन किया था, हमने ये पाया। हाँ, आप कंप्लेन किए, आपका कंप्लेन सही है, आइंदा से नहीं होगा, ये तो जायज़ है कि स्कूल वाला हमको बोलेंगे कि हम जाके शुरुआती तौर में अगर वो कर ही देते, क्योंकि लेट हुआ तब आपने लिखित आवेदन दिया शिक्षा विभाग में, अगर वो शुरुआत में पाते और वो बोल कर भी कहते कि गलती हो गया छोड़ दिए तो शायद आप मान जाती मैम, है ना, ये देरी के कारण। देरी के कारण सिर्फ नहीं, देखिए हमको इसको जड़ से मिटाना है, ये जो स्कूल में सारे बच्चियों के साथ होता है ना, हम आगे आके बोल रहे हैं, बहुत बच्ची नहीं बोल सकती है, बहुत महिलाएं है जो काम करते हैं कोई माने जगह पे, वहाँ पे उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है,
तो सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, सबके। और स्कूल के लिए ये है कि अगर स्कूल का टीचर लोग गलती किया है तो उसको माने, उसको छुपाने के लिए और गलती मत करें। यही मेरा बात है, क्योंकि ये शिक्षा प्रतिष्ठान है, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ उसका ओवरऑल ग्रूमिंग भी होता है। समाज को ये लोग क्या दे रहे हैं कि अगर शिक्षक माने शिक्षक ही झूठ बोलेगा तो बच्चे तो झूठ बोलना सीखेगा, आगे जाके समाज में क्या रखेगा? वो लोग सब झूठे बच्चे को तैयार कर रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं कि बाद में जाके झूठ बोलना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको झूठ बोलना है। सही बात है मैम। मैम जब हमारी टीम गई तुमसे बात करने, मैं भी था, तो ऐसा प्रतीत हुआ हमको कि वो शिक्षा विभाग की प्रतिनिधि कम और स्कूल की ज़्यादा लग रही है। वो भी चाह रही मुद्दा दबाना, वो चाहती तो कैमरे में बात कर सकती थी हमसे, उन्हें करना चाहिए, पर उन्होंने क्या आपको ऐसा लगा? आपको भी हाँ ये बात तो हमको लगा, क्योंकि हम जब पर्सनली वो टीचर को बोल रहे थे कि आपको गलती किए है तो कभी भी जिंदगी में कभी गलती किए है तो गलती को मानने का भी हिम्मत रखिए, तब हमको मिथिला टूडू माने एक तरह से धमका रही है, कितना आप सुनाइएगा उसको, उतना बहुत सुन चुकी है। तो मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है तो हम टीचर को नहीं बोलेंगे? मिथिला टूडू हमको चुप करा रही है, ऊपर से बोल रही है कि हो गया ना, टीचर तो माफ़ी मांग लिया, अब क्या करना चाह रहे हैं? हम तो लिखित दे ही दिए हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? वो स्कूल अपना गलती मान लिया है, स्कूल में अब सब जगह प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रिटर्न हमको नहीं दिया, वार्वेली बोला है कि स्कूल में अभी ये अवेलेबल रहेगा टीचरों के लिए और स्टूडेंटों के लिए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह अवेलेबल रहेगा। पहले KKM ब्रांच से DPS ब्रांच में टीचर लोगों को जाना पड़ता है, सीक रूम बोल के एक रूम है उसी में रहता था, अब ये सारा स्टाफ रूम में रहेगा। माने इस बिल्डिंग का जो टीचर है ये फैसिलिटी वही बिल्डिंग में भी उसको मिलेगा, तो एक अच्छा चीज़ हुआ ना। तो ये चीज़ हम चाहते हैं सब स्कूल में हो, कोई बच्ची को ये परेशानी नहीं उठाना पड़े। ये बात मिथिला टीडू जी समझ ही नहीं रहे, सोच रहा है कि मामला टीचर उनको मात्र एक स्कूल दिख रहा है और एक मामला दिख रहा है, हाँ। जबकि उस स्कूल हम बार बार बोल के भी समझा नहीं पा रहे कि ये मामला सिर्फ मेरी बेटी का और नॉट ओनली दिस स्कूल, हम सब बच्ची के लिए सब स्कूल के लिए बोल रहे हैं, स्कूल का स्टूडेंट नहीं टीचर लोगों के लिए भी। क्यों टीचर लोग जहाँ काम करने जाते हैं वह पैसा देके ये फैसिलिटी लिए, तो फर्स्ट एड का अंडर में होता है हर एक स्कूल के लिए। मेरा गुजारिश है कि शिक्षा विभाग ये लेटर इशू करे सब स्कूल के लिए कि फर्स्ट एड का चीज़ उसको फ्री में मिलेगा। एक तो मैम ये हो गया जो शिक्षा विभाग से आप चाहते हैं, क्योंकि उस जिले में सारा स्कूल आते हैं, स्कूल से क्या चाहती मैम कि वो रिटर्न में स्कूल में, स्कूल से हम यही चाहते हैं वो टीचर का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तीनों का रिटर्न में हमको माफीनामा चाहिए, क्योंकि आज हम बोल देंगे, आज हम भारवेली आपको बोल रहे हैं ना, आप कल जाके ये लोग मुकर भी सकते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं बोले हैं, हम झूठे बन जाएंगे ना। तो मुझे रिटर्न चाहिए, क्योंकि हम रिटर्न मेल में सबको कंप्लेन की है और आंसर भी हमको रिटर्न चाहिए। जब तक मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा कोई भी माफ़ी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैम अभी आप क्या उम्मीद करें, रिपोर्ट आने के बाद क्या करेंगे, क्या है कुछ आगे का? ये तो पूरा पूरी मिथिला टूडू के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर वो चाहेगी तो निरपेक्ष जांच करेगी। वो तो ऐसे ही बोला है कि दोनों तरफ से मिस्टेक है, लेकिन मेरा मिस्टेक तो मैं कहीं देख नहीं रही हूँ। अगर आप लोग विचार कर सकते हैं तो विचार कीजिए, हम स्कूल को इन्फॉर्म किए ऐसा ऐसा घटना हुआ है, उसके बाद से मेरे पास ना कोई कॉल आया ना हमको स्कूल में बुलाया गया। मिथिला टूडू का बात है कि आप भी तो नहीं पूछे, हम क्यों पूछेंगे? हाँ आप मतलब आपकी जिम्मेवारी बार बार याद दिलाई जा रही है आपको, हाँ। पर स्कूल की जिम्मेवारी उन्हें याद दिलाने का भी याद स्कूल का 3 दिन से कोई जिम्मेदारी नहीं था, वो लोग बिजी थे और हम फ्री बैठे हैं। हमको जाना था स्कूल में, जाके पूछना था कि मैम आप लोग क्या किए, हम जो कंप्लेन किए उसके अगेंस्ट में क्या किए, ये मेरा जिम्मेदारी है, जिसमें आरोप है उसका जिम्मेदारी नहीं है। यही कहना यहाँ के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, यही लगता है सही में कि बार बार जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी याद दिलाई। देखिए मेरा एक बात है, कोई भी चीज़ अगर सबके लिए है ना, सार्वजनिक है, तो सबको आगे बढ़ के निरपेक्ष जांच करना है। मिथिला टूडू जी भी एक औरत है, कैसे वो भूल रही है कि वो भी कहीं जगह काम करती है, कल जाके उसके साथ जब ये घटना घटेगी तब उसको लगेगा कि ये कितना सही है, तब तक वो नहीं समझेगी।
हम यही उम्मीद करेंगे कि रिपोर्ट में बात उन्होंने अच्छे से लिखे हो, जो भी हो हमें पता तो चलेगा ही और हम आपको भी बताएंगे। फिलहाल हम लेते हैं अलविदा और इस पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता अंजलि के साथ मैं अमर कुमार, मेरठ मीडिया न्यूज़, धनबाद।